आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 ऐसे देशों के बारे में जहां आप आराम से घूम सकते हैं और अपने आप को राजा जैसा महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे 7 कंट्रीज को। नंबर 1, कंबोडिया। कंबोडिया बहुत ही सुंदर देश है और अपने मन लुभाने वाली जगहों के लिए दुनिया भर में काफी फेमस है। कंबोडिया के दर्शनीय स्थानों में से अंगोरवट मंदिर, पनोम पेन, कार्डमम माउंटेन्स और कैंपो सीवर शामिल है। यहाँ पर हर साल काफी सारे लोग जाते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा लोग भारतीय होते हैं और इनका कारण ये है कि 1 रुपये की कीमत 60 कंबोडियन रियल है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 7 दिन का होटल खर्चा केवल 2000 रुपये है और खाने पीने का खर्चा लगभग 1000 रुपये है। फ्लाइट भी बहुत सस्ता है और लगभग 15000 में आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा। नंबर 2, वियतनाम। वियतनाम देश में भारतीय मुद्रा राज करती है क्योंकि 1 रुपये की कीमत लगभग 333 डॉक है। यहीं से आप समझ गए होंगे कि अगर आप वियतनाम में हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वियतनाम प्राकृतिक सौंदर्य का देश है और आप यहाँ पर बोटिंग से शुरू करके क्रूज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप हनोई, दलत, कोचीमी, स्पा जैसे खूबसूरत जगहों पर रह सकते हैं। यहाँ आपका 1 हफ्ते का खर्चा केवल 5000 तक आएगा और फ्लाइट केवल 20000 तक होगी, तो आप आराम से वियतनाम में केवल 25000 रुपये में काट सकते हैं। नंबर 3, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक आइलैंड है। यहाँ नीला समुद्र, खुली हवा और प्रकृति का बोलबाला है, इसीलिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इंडोनेशिया की खास जगह बाली है जहाँ पर आप एक्टिव वोल्केनोस भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बुद्धा मंदिर बोरो बुद्धर भी देखने जा सकते हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए ये एक अच्छी हॉलीडे डेस्टिनेशन है क्योंकि 1 भारतीय मुद्रा 207 इंडोनेशियन रुपया है। 1 हफ्ता इंडोनेशिया में रहने का खर्चा 3000 तक आ सकता है और खाने का खर्चा 1000 रुपये आ सकता है। नंबर 4, चिली। चिली को दुनिया का सबसे लंबा देश माना जाता है। ये देश बस 180 किलोमीटर तक ही है लेकिन इसकी क्रॉस लाइन 4000 किलोमीटर तक है। चिली में हर तरह के दर्शनीय स्थान हैं, जैसे कि रेगिस्तान, ग्लेडियस, वोल्केनस और बहुत कुछ। भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। चिली जाने के लिए फ्लाइट खर्चा लगभग 60000 तक लग सकता है लेकिन रहन सहन बहुत ही सस्ता है। नंबर 5, हंगरी। हंगरी एशियाई देश में नहीं होने के बावजूद यहाँ पर भारतीय मुद्रा की कीमत अधिक है और यहाँ पर घूमने फिरने और खाने पीने का खर्चा उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ की सभ्यता हमारे देश से अलग है। यहाँ पर 1 रुपये की कीमत लगभग 4 हंगरी फ्लोरेंस है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को दुनिया का सबसे रोमांटिक शहर माना जाता है। यहाँ पे आप रोमन और तुर्क सभ्यता का मेल देख सकते हैं, इसलिए यहाँ के चर्च और बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये एक खूबसूरत देश है और यहाँ पे खाने और रहने का खर्चा 60000 तक हो जाएगा। आपको भारत से सबसे सस्ती फ्लाइट 25000 में मिल जाएगी, तो जल्दी से हंगरी जाने का प्लान बनाइए। नंबर 6, मंगोलिया। मंगोलिया में तो भारतीय जैसे राजा ही महसूस करेंगे क्योंकि ये देश राजा महाराजाओं का है। चिंगिस खान का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा और मंगोलिया में हर जगह इनकी मूर्ति है। इसके अलावा मंगोलिया का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर आप मंगोलिया में हैं तो आपको इतिहास और सभ्यता का अच्छा ज्ञान हो सकता है। यहाँ पर 1 रुपये की कीमत 36 मंगोलियन टुगरिक है। खाना पीना और रहना आपका बस 5000 होगा और फ्लाइट भी 20000 में हो जाएगी। कुल मिलाकर मंगोलिया में 1 हफ्ते का केवल 25000 ही खर्च करने हैं। नंबर 7, लाओस। लाओस देश में आपको इंडियन होने का गर्व होगा क्योंकि यहाँ पर मंदिर और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिलेगी। साथ ही यहाँ के झरने, खूबसूरत नज़ारे और गार्डन्स बहुत ही फेमस है। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा कि 1 रुपया लगभग 122 लोटियन कीप के बराबर है। यहाँ पे आप दिल खोल के खर्चा कर सकते हैं। 1 हफ्ते में केवल आपको 30000 खर्च करने हैं और लाओस की फ्लाइट बस 16000 है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 7, जहाँ आप राजाओं की तरह घूम सकते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय माई वीडियो। So if you like my video, please share and like my video and don't forget subscribe my channel, okay?